Hello everybody, this is Tarot Genie guys and welcome to the channel. This reading is going to be about Priyanka and Ankit. Let's see their relationship dynamics as you all want to know. God's Guardians, Angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for, again you see the Devil card here. And 10 of Pentacles. Alright. So, what is the guidance coming for all the fans of Priyanka and Ankit for the relationship dynamics? Anything that they are allowed to know? How are things happening in their relationship? Thank you so much for this guidance. Thank you. Thank you so very much. This is what? 2.0. And this is what? Wheel of Fortune. So will the wheel turn in their favor and they will start a new, relationship with the all new energy? Let's see what happens in here. Priyanka and Ankit, let's take this card. Temperance, balance, all right. Queen of Cups. Priyanka and Ankit, okay. What else do we have? Wow, Nine of Swords hai yahan pe. So what all things Priyanka and Ankit ke relationship mein kya ho raha hai? Queen of Sword in reverse mein hai. Interestingly enough, Priyanka and Ankit ke relationship mein ek Queen of Cups hai aur uske seedhe niche mein ek shadow side mein Queen of Sword aake baith gayi hai. Okay, to ho kya raha hai yahan pe? Excuse me. Relationship Priyanka and Ankit. ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स के पीछे एक क्वीन ऑफ सोर्ड पड़ी हुई है इन शैडो साइड में. और क्वीन ऑफ कप्स जो है, जो कि प्रियंका होगी आई गेस, बिकॉज ये उसकी रीडिंग है, वो इसको देख नहीं पा रही है क्योंकि इसकी नजर तो सीधा इस पे है, पर इसकी नजर इस पे है, पास्ट में है. इसकी नजर पास्ट में है, इस पे किसी की नजर डेफिनेटली है. और ये सोड एंड ये सोड बैकग्राउंड भी मैच कर रहा है, तो आई थिंक दिस लेडी कुड बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस इन देयर रिलेशनशिप. सम लेडी, क्वीन ऑफ सोड इन शैडो है, ठीक है. यहाँ पे देखो किसी चीज का टसल चल रहा है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है शायद यहाँ पे, एज इफ कि अब ये लड़कियों की बात हो रही है, तो आई डोंट नो इफ अंकित को लेके कोई टग ऑफ वॉर चल रहा है, ऐसा हो सकता है. ओके, और ये भी ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे टग ऑफ वॉर कुछ चल रहा है. इसकी नजर इस पे है रिलेशनशिप के बैलेंस, जो रिलेशनशिप देखो शायद पहले पास्ट में काफी बैलेंस्ड थी रिलेशनशिप, एंजल की ब्लेसिंग भी थी शायद, लेकिन अब ये क्या है कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो पास्ट में ही इसके बारे में सोचती रहती है, जबकि प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि एक क्वीन ऑफ सोर्ड की नजर इस पे है, बट शी इज नॉट अवेयर ऑफ दिस. और क्योंकि ये अवेयर नहीं है, तो इसने सोड एंड सोड, इसने शी इज वेरी वनरेबल. देखो अगर आप पे कोई नजर रखा हुआ है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस पे नजर रखो, लेकिन क्योंकि आपकी नजर ही नहीं है तो क्या होता है कि इसको फ्री वे मिल जाएगा आपको इम्पैक्ट करने के लिए, और इसने अपना जो भी आप बोलते हो चाल भी चल दिया है और आप काफी स्ट्रेस भी हो गए हो, राइट. तो वो कोई चीज है शायद क्वीन दिस गर्ल मे बी इस काइंड ऑफ, शायद वो किसी पे ज्यादा ऐसा भरोसा कर रही है जो कि भरोसे के लायक नहीं है, ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूं. क्योंकि ब्लू एंड ब्लू, ये दोनों ब्लू पहने हुए हैं, तो शायद ये कुछ ऐसा हो सकता है कि वो किसी पे भरोसा कर रही है जो कि भरोसे के लायक नहीं है, वो उस पर नजर रखता है या रखती है, बट वो कहीं और ही फोकस्ड है. अगर यहाँ पे देखो ये क्वीन ऑफ कप्स जो है इसने क्राउन पहना हुआ है, बट ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड है इसने क्राउन नहीं पहना हुआ है, तो आई वंडर इफ दिस क्वीन ऑफ सोर्ड वांट्स दिस क्वीन ऑफ कप्स क्राउन, या फिर जो भी इस क्वीन ऑफ कप्स के पास है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड को चाहिए है. ये डेविल एनर्जी जो पास्ट वाले रीडिंग में है वो भी हो सकता है, तो वो चीजें हैं. कहीं ना कहीं उसका इस क्वीन ऑफ सोर्ड जो शैडो साइड में है ना, ये चाहती नहीं है कि इसके सेलिब्रेशंस को वो रोक रही है,
इनके रिलेशनशिप के सेलिब्रेशंस को वो रोक रही है और वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो हो क्या रहा है इनके रिलेशनशिप में, बेसिकली बैलेंस था, हर चीज़ था, बट द गर्ल या फिर कोई भी एक इंसान, मोस्टली तो गर्ल ही लग रहा है कि शी इज़ फोकस्ड ऑन हाउ गुड द रिलेशनशिप वॉज, बट आप फोकस प्रेजेंट में नहीं हो जहाँ पे आप पे अटैक हो रहा है। एंड दैट एंड आपका फोकस पास्ट में है, पास्ट में आप एक्शन नहीं ले सकते हो, एक्शन आपको प्रेजेंट में लेना पड़ता है। एंड आप किसी को इग्नोर करके, उस पर ज़्यादा भरोसा करके आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। ये चीज़ें आपको और भी स्ट्रेस क्रिएट करेंगी, समझ रहे हो, इस तरह की एनर्जी में पड़ रही हूँ। तो कुछ एक थर्ड पार्टी इम्पैक्ट डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है, जो कि बहुत ही, अब क्वीन ऑफ सोर्ड क्या होती है ना, एंड शी इज मैनिपुलेटिव। क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स बिकम्स टोटली मैनिपुलेटिव। तो क्वीन ऑफ सोर्ड ने, हो सकता है दिस, और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये बहुत ही गलेबल लगती है, बहुत ही वनरेबल लगती है, जैसे कि बहुत ही इनोसेंट सी है। तो ये बुद्धू इसको बना रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बंदी को इसको ट्रस्ट करना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ट्रस्ट कर रही है किसी को शायद। एग्जैक्टली, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन साबोटेज रिलेशनशिप। यस, टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल्स, बैक ऑफ, रीग्रुप। ये रीग्रुप करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये देखो अब क्या कर रही है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स जो है, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बैलेंस था, हर चीज था, तो इसको वो पास्ट की ही एनर्जी में है कि रिलेशनशिप कितना अच्छा था, हर चीज कितना था, वैसे ही क्यों नहीं हो जाता। गलत संगति में भी है शायद, गलत लोगों की बातें मान रही है, जो कि उसको गलत सलाह दे के और भी स्ट्रेस क्रिएट करेंगे इनके लाइफ में। तो बेसिकली सबसे पहले तो पास्ट में फोकस करके प्रेजेंट में जो सिचुएशन है रिलेशनशिप की, उस पर फोकस करो, गलत लोगों की संगति से दूर रहो, जो तुमको गलत डिसीजंस लेके और सिचुएशन को बिगाड़ सकते हैं। और शायद यहाँ पे कोई कंट्रोल द पीपल है, ये कोई कुछ इस तरह की एनर्जी है। एग्जैक्टली, सो लो सेल्फ स्टीम है यहाँ पे किसी का। और आप समझ रहे हो कि लो सेल्फ एस्टीम, वनरेबल, जो मैंने बोला यहाँ पे, आप वनरेबल क्यों होते हो जब आप दूसरों की बातों को ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जो, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड जो है यहाँ पे, इसी चीज का वो फायदा उठा रही है, राइट? वो अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या कर रही है, आप पे टोटल नजर रखे हुए है, और आपको बिल्कुल यहाँ पे भ्रमित करना होता है ना, वो कर रही है। और इन दिस वे शी इज टेकिंग अ टोटल कंट्रोल ओवर यू, और बेसिकली पुशिंग यू टू अ मोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये जो आप पे नजर रख रही है, तो आपका हेल्प नहीं कर रही है, वो आपको और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रही है। शी इज नॉट हेल्पिंग यू रीग्रुप। ये एनर्जी आई है इनकी, और क्योंकि आपकी वनरेबल बहुत हो, तो ये आपका टोटल कंट्रोल ले रही है, ऐसा ही कुछ एनर्जी लग रहा है यहाँ पे। प्ले टाइम का कार्ड आया है यहाँ पे। प्रियंका एंड अंकित, व्हाट कैन यू नो अबाउट देयर रिलेशनशिप? प्रियंका एंड अंकित, सिंप्लीफाई योर लाइफ, ये वाला कार्ड आज काफी लोगों के रीडिंग्स में आया है। क्लटर रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है, और इस क्वीन ऑफ कप्स के लाइफ में क्लटर कौन है? क्वीन ऑफ सोर्ड क्लटर है। एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, जब तक ये इसको हटाएगी नहीं, जिसके ये तब तक ये इसको इसी की तरफ पुश करने वाली है, बिकॉज वॉट शी इज डूइंग समथिंग। यहाँ पे लोग कंट्रोल कर, ये क्वीन ऑफ सोर्ड तो टोटल इसको कंट्रोल करके रखी हुई है क्वीन ऑफ कप्स को। क्वीन ऑफ कप्स, इंस्टेड ऑफ नोइंग हर रियालिटी, शी इज फोकस्ड ऑन हर पास्ट, वेन चीजें, वेन थिंग्स वर सो हैप्पी डैपी। तो ये तो टोटल मुझे एक प्रियंका की एनर्जी हो गई है, और ये वेयर इज अंकित एंड ऑल दिस थिंग्स, उसकी कोई एनर्जी ही मिसिंग है यहाँ पे। सो प्रियंका इज टोटली बॉदर्ड अबाउट हर रिलेशनशिप विद अंकित, बट वेयर इज अंकित एंड ऑल दिस? अंकित कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्या हो रहा है उसका? क्योंकि यहाँ पे तो प्रियंका इसके बारे में सोच रही है, अपने रिलेशनशिप कितना बैलेंस था पास में, उसके बारे में सोच रही है, और फिर स्ट्रेस आउट हो रही है थैंक्स टू हर कॉन्ट्रीब्यूशन। बट वेयर इज अंकित एनर्जी? यहाँ पे अंकित की एनर्जी है ही नहीं इसके रिलेशनशिप में।
मीन उसका कुछ कार्ड नहीं है, नहीं दिख रहा ना। कप है यहाँ पे, याद कर रही है उसको, मिस कर रही है उसको। बट अदर देन दैट तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा उसका एनर्जी अंकित का। आई डोंट नो व्हाट इज अंकित डूइंग, बट इन दिस रिलेशनशिप डायनामिक्स ये टोटली एक एक तो बंदी की एनर्जी आ गई है। बंदी पास्ट में रिलेशनशिप को देख रही है कि कितना अच्छा था रिलेशनशिप, प्लस उस पर कोई नज़र रखा हुआ है और वो उसको गलत सलाह भी दे रहा है मुझे लगता है। प्लस उसको और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालेगा अगर ये बंदी इस बंदी पे फोकस वापस डाल के इसको अपने लाइफ में, क्या ये गोलमाल कर रही है ना, इसको गलत डिसीजंस दे रही है, सलाह दे रही है, ये इसको फाइंड आउट नहीं करती है तो यही एनर्जी हो रही है, मुझे तो यही लग रहा है। कुछ तो लड़ाई चल रही है, टसल चल रहा है। अब क्या चीज का टसल है ये? इंटरेस्टिंगली इनफ ये रीडिंग जो मैंने अंकित और प्रियंका के लिए किया है, इसमें अंकित की एनर्जी मैं कहीं भी फाइंड नहीं कर पाई हूँ। इसमें एक क्वीन ऑफ कप्स है और एक क्वीन ऑफ सोर्ड है और इनके बीच टसल चल रहा है कुछ, और अंकित इज लाइक साइलेंट है पूरा। आई डोंट नो व्हाट्स रियली हैपनिंग हियर बट दिस इज व्हाट इट इज। काफ़ी क्लटर हो गया है इनके लाइफ में, तो क्वीन ऑफ कप्स को अपने लाइफ से क्लटर को हटाना पड़ेगा। अननेसेसरी नेगेटिव लोग जो उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं उसको हटाना होगा। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। आई डोंट नो हाउ इट मेक्स सेंस बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।